पूरा स्नोफॉल हो रही है ज़बरदस्त यहाँ पे। हमें बारालाचा पे आ गए हम, बारालाचला एक्चुअली मैं नाम इसका ये है, मैं गलत बोल रहा था, 4850 मीटर की हाइट पे है। तो बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है, आई थिंक माइनस में जा रहा है टेम्परेचर, तो हम लोग निकलते हैं जल्दी जल्दी और आगे के लिए चलते हैं। ठीक है, चलिए फिर। सामने जो आप देख रहे हो ढाबे पे कुछ पता करके आओ, कुछ है या नहीं है, तो संदीप इशारा किया है कुछ खा लेते हैं, सुबह के चले में है, भूख भी लग रही है। तो एक और पुलिस नाका है सरचू में ही, हमने जहाँ मैगी खाई थी जस्ट वॉकेबल डिस्टेंस पे, तो वही सेम वेरिफिकेशन, कितना बंदे हैं, कितनी गाड़ियाँ हैं, कहाँ तक जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, तो ये सब। ठीक है, तो हम लाचुंगला पास पे आ गए हैं, 16,616 फीट। हम रुकेंगे नहीं ना, हम बाहर निकलेंगे, बहुत ज़्यादा ठंड है, हम डायरेक्ट कंटिन्यू करेंगे जो है यहाँ के लिए पंग के लिए, और एक ट्रक हमारे पीछे आ रहा है, हम उसी को फॉलो करेंगे अब, क्योंकि ऑलमोस्ट दिखना बंद हो गया है ये देखिए आप। और बेटर ऑप्शन यही है कि हम इस डेंजरस घाटी में धीरे धीरे आराम आराम से किसी बड़े व्हीकल को फॉलो करें, उसी में ज़्यादा भलाई है। तो चलिए फिर, दोबारा से स्नोफॉल शुरू हो गया है, अगर आपको दिख रहा हो तो थोड़ी थोड़ी बर्फ़ गिरनी शुरू हो गई है, और हम जितना ऊंचा जाएंगे उतनी ज़्यादा बर्फ़ और गिरनी शुरू होगी। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, अल्टीमेट एक्सपीरियंस है ये मेरा। ले 210 किलोमीटर, पंग है यहाँ से 34 किलोमीटर।
भाई साहब ने ये बताया है हमें, ऑस्टिन भाई ये कह रहे हैं कि अभी हम लोगों को पहुंचने में बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। खरदुंगला जो है वो यहाँ से अभी काफ़ी दूर है और 19,000 फीट की ऊंचाई पे और -45 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। ये ट्रक वाले भाई थे जिन्होंने हमें रोक के ये बात बोली है। अब दो ऑप्शन हैं, आप हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि पंग में रुक जाए आज रात और कल अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं लेह के लिए। आई थिंक ये बेटर ऑप्शन लग रहा है मेरे को, टेंट वगैरह में रुक जाते हैं उस टाइप के टेंट में, पंग में यहाँ मिल जाए तो यहीं होल्ड कर लेते हैं अभी। पंग चले, पंग चल के होल्ड करते हैं क्योंकि रात में ड्राइव करने से कोई फायदा नहीं है। बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा है ऊपर, तो हद से ज़्यादा स्नोफॉल है गाइज। ठीक है सर, तो पंग में चलते हैं, आप आगे कहीं चलिए, धीरे धीरे चलते हैं, पंग पहुँच के स्टे करते हैं यहीं पर फिर। ठीक है, चलो डन है। ऑस्टिन भाई हमारे आगे आगे चलते हुए और टेम्परेचर हो गया है -10, इस समय -10 है। बदौलत हम कंफर्टेबली बैठे हैं, लेकिन मानना पड़ेगा इसकी हिम्मत को ऑस्टिन की कि भाई बढ़ता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। यार आपका दिमाग इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि इतने कठिन टेरेन में और क्लाइमेट में आप चला रहे हो, कॉन्टिन्यूस चला रहे हो, बहुत बड़ी बात है। मुझे कुछ दिख नहीं रहा, अब दिखना शुरू हुआ। और वो ट्रक वाले भाई साहब ने, जो ड्राइवर थे, उन्होंने बोला कि 19,000 फीट की ऊंचाई पे है। तो ऑब्वियस है थोड़ा ऑक्सीजन का भी इशू होगा वहाँ पे। पंग में देखते हैं क्या टेंट वगैरह अगर कुछ मिलता है तो हम वहीं स्टे करने का डिसीजन लेंगे।
बहुत ज़्यादा थक गए हैं, पांग पहुंच चुके हैं हम और बज रहे हैं 8। गाड़ी चलाते समय तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ा, गाड़ी से उतरते इतना जबरदस्त हेडेक शुरू हुआ। ये पांग जो है ये 15,000 फीट से भी ऊंचे लेवल पे है, 15,500 मान लीजिए आप, और ऑब्वियसली बात है उसका हाइट का इफेक्ट तो पड़ेगा ही, थोड़ी सांस भी फूल रही है और एक अलग सा एक्सपीरियंस है। हमें एक स्वीट सी आंटी हैं, उनका घर है पीछे, उनका होम स्टे है जिसमें 4-5 बेड पड़े हुए हैं, हमने पूरा रूम ही बुक कर लिया उसमें, ऐसे 9 बंदों का था, हमने पूरा रूम ही बुक कर लिया है, हम ही लेट सोएंगे इसमें और कोई नहीं। उसके बाद अब दाल चावल ऑर्डर किया है, सूप आ रहा है, सूप पियेंगे और उसके बाद आराम करेंगे। कल मिलते हैं लद्दाख के रूट पे, सुबह 5 बजे मिलने का हमारा इरादा है, तो आज हम नहीं आप जा पाए ले कोई बात नहीं, बट हम कल ले 10 बजे से पहले पहुँचेंगे और आपसे कल मुलाकात करते हैं।